मैं नितिन यादव क्लास 10 के साइंस की सीरीज में आपका स्वागत करता हूँ। आज का टॉपिक अपन लेते हैं ब्लड एंड ब्लड सर्कुलेशन। क्या लिया मैंने? रक्त एंड रक्त परिसंचरण। अब बात करते हैं रक्त की। व्हाट इज रेगुलेशन ऑफ ब्लड? क्या है कि व्हाट इज रेगुलेशन ऑफ ब्लड? ब्लड एक कंजक्टिव टिश्यू है, मतलब तरल संयोजी ऊतक है। इसका कार्य यही है कि ऑक्सीजन और CO2 को क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करना और अन्य पदार्थों को उनके अंगों तक पहुंचाना और ऊर्जा को कहां तक ले जाना, कोशिकाओं तक ले जाने का काम क्या करता है? रक्त करता है। रक्त को स्पेशली दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, जैसे आप देख रहे होंगे, प्लाज्मा एंड ठोस पदार्थ कोशिका। प्लाज्मा की बात करते हैं। प्लाज्मा जो रक्त बना होता है, जो ब्लड अपना बना होता है, मेको ब्लड 55% जो ब्लड के अंदर होता है वो क्या होता है? प्लाज्मा होता है। कितना? 55%। और प्लाज्मा की बात करते हैं, प्लाज्मा भी दो पार्ट में डिवाइडेड है, जल और ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। मतलब 92% प्लाज्मा में क्या होता है? वॉटर, जल होता है। 8% क्या होता है? ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक क्या होते हैं? सब्सटेंस होते हैं। इसकी बात कर रहा हूं मैं प्लाज्मा की। अब इसके बाद अगर आगे देखें, इसका मैक्सिमम पार्ट ये प्लाज्मा लिक्विड शेप की, स्टिकी येलो टाइप की लिक्विड होती है जो ब्लड में ब्लड को बनाने का काम करती है। उसके बाद करते हैं बात ठोस पदार्थ की। किसकी बात करते हैं? ठोस पदार्थ की या सेल्स की बात करते हैं। इसको स्पेशली कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है? तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सा? लाल रक्त कणिका, रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल और डिम्बाणु या प्लेटलेट्स। ठीक है, कितने पार्ट में डिवाइड किया है कोशिका को? RBC, WBC और प्लेटलेट्स। अब बात करते हैं अपन रेड ब्लड सेल की। किसकी बात करते हैं? रेड ब्लड सेल्स की। अब रेड ब्लड सेल्स से बात करते हैं, उसका जो भी उसके अंदर मेन मेन मटेरियल होते हैं, क्या उसका फंक्शन होता है, ये सब हम देखते हैं इसमें। देखो, निर्माण बनता का ब्लड सेल है, रेड ब्लड सेल है, बनने की काम पर सबसे मेन चीज है उसका निर्माण क्या होता है? बोन मैरो में होता है, अस्थि मज्जा में होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब मैक्सिमम क्वेश्चन छोटे क्वेश्चन अगर पूछे जाते हैं तो मैक्सिमम क्वेश्चन यही पूछे जाते हैं कि ब्लड में ब्लड का निर्माण या ब्लड कहाँ बनता है, बॉडी कौन से पार्ट में बनता है, तो क्या बनता है? बोन मैरो में। पर बच्चों के अंदर स्पेशली ब्लड बनता है वो कहाँ बनता है? स्पीन में, पीहा में बनता है। ये देख लीजिएगा, दो चीज बता दी आपको मैंने, बच्चों के अंदर और एडल्ट के अंदर जो ब्लड बनने का तरीका जो होता है, जो कौन से भाग में बनता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बात करते हैं लाइफ लाइन की। बात करते हैं लाइफ लाइन, 120 डेज की लाइफ लाइन होती है किसकी? RBC की 120 डेज की लाइफ लाइन होती है। उसके बाद उसमें केंद्रक की उपस्थिति, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, सॉरी, न्यूक्लियस क्या होता है? एब्सेंट होता है। किसमें? आरबीसी में न्यूक्लियस क्या होता है? एब्सेंट होता है। उसके बाद बात करते हैं अपन इसकी संख्या की। मैक्सिमम जो ब्लड के अंदर आरबीसी की संख्या मैक्सिमम होती है, कितनी होती है? मैक्सिमम किसकी संख्या होती है? आरबीसी की संख्या होती है। और स्ट्रक्चर या आकृति की बात करें तो स्ट्रक्चर और आकृति उसकी कैसी होती है? प्लेट टाइप हो सकती है, यूएफओ टाइप हो सकती है या तस्करी नुमा हो सकती है। तीनों चीजें एक ही है। डिस्क लाइक बोल सकते हैं इसको अपन, क्या बोल सकते हैं? डिस्क लाइक, प्लेट लाइक, यूएफओ टाइप, हर टाइप क्या होती है, स्ट्रक्चर होता है। उसके बाद करते हैं और रेड जो कलर होता है, रेड कलर जो होता है वो किस कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण होता है। किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण होता है। हीमोग्लोबिन क्या चीज है? एक प्रकार का क्या होता है? पिगमेंट होता है। क्या होता है? एक प्रकार का पिगमेंट होता है और कलर उसके कारण इसका रेड होता है। इसलिए इसको अपन क्या बोलते हैं? रेड ब्लड सेल या लाल रक्त कणिका। मैक्सिमम ब्लड में इसी का पार्ट होता है। उसके बाद बात करेंगे अपन इसकी श्वेत रक्त कणिका की, व्हाइट ब्लड सेल्स की बात करेंगे। अब इसका स्ट्रक्चर, इससे डिफरेंस कैसे है देख लीजिएगा, अंतर क्या है देख लीजिएगा। पहली चीज तो व्हाइट ब्लड सेल को अपन क्या बोलते हैं? सोल्जर सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सोल्जर सेल बोलते हैं। अब सोल्जर क्या काम करते हैं? सोल्जर का फंक्शन क्या है भाई? जो इनेमीज होते हैं, दुश्मन होते हैं, जो देश के लिए गलत कार्य करते हैं, जो
बाहर से आते हैं और देश को बर्बाद करने काम करते हैं, उनको मारने काम करते हैं, उनको रोकने का काम करते हैं, वैसे ही काम अपना क्या करता है, श्वेत रक्त कणिका करती है, व्हाइट ब्लड सेल्स करती है। क्या काम करती है? जीवाणु, विषाणु, कवक, बैक्टीरिया, फंगस और वायरस जो बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं उसको क्या कर देती है, ये मार देती है, किल कर देती है। अपनी बॉडी क्या करती है, रक्षा करती है, प्रोटेक्ट करती है। इसका निर्माण, इसकी निर्माण की बात करें तो इसके निर्माण भी कहां होगा, अस्थि मज्जा में ही होगा। कहां होगा? बोन मैरो में ही होगा। इसकी लाइफ टाइम थोड़ी कम होती है, 4 या 5 डेज होती है। किसी भी बुक्स में 6-7 लिखी होती है, पर वो नेचर की बात करते हैं तो हर बुक्स अलग अलग लिखती है चीज को, ठीक है। अब इसकी बात करते हैं न्यूक्लियस की। न्यूक्लियस में जो एब्सेंट था, अब इसमें क्या है, प्रेजेंट है। न्यूक्लियस क्या है, प्रेजेंट है। साइज की बात करते हैं, साइज की बात करते हैं तो इसकी साइज क्या होती है, थोड़ी बड़ी होती है। कारण क्या होती है, थोड़ी लार्जेस्ट होती है। इसकी श्वेत रक्त कणिका की और संख्या जो होती है वो आरबीसी कंपेरिजन में, इसकी कंपेरिजन में, आरबीसी की कंपेरिजन में क्या होती है, इसकी संख्या थोड़ी कम होती है। और हीमोग्लोबिन क्या होगा, एब्सेंट होगा। अगर प्रेजेंट होता मान लीजिए तो इसका कलर भी रेड होता। इसमें क्या होता है भाई, एब्सेंट होता है। कलर क्या होता है, एब्सेंट, सॉरी कलर, कलर व्हाइट कलर का होता है क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन क्या होता है, एब्सेंट होता है। कलर इसका व्हाइट होता है। अब बात करते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स में, अपन बात करते हैं कितने टाइप में डिवाइड किया गया है और उसको कितने टाइप में डिवाइड किया गया है। स्पेशली व्हाइट ब्लड सेल को 2 टाइप में डिवाइड किया गया है, एक तो कणिकाणु और अकणिकाणु, ग्रेन्युअल्स और अग्रेन्युअल्स। ग्रेन्युअल्स में भी अपन बात करते हैं उसको 3 टाइप में डिवाइड किया गया है, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल और इओसिनोफिल्स। कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इन सब चीजों को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया। आप उस चीज को कितने पार्ट में डिवाइड करके आप पढ़ते हैं आप, तो वो पढ़ना इजी हो जाता है। उसी टाइप से मैंने बता दिया आपको, श्वेत रक्त कणिकाएं होती है और 2 टाइप में डिवाइड होती है, कौन कौन सी, कणिकाणु अकणिकाणु या ग्रेन्युअल्स अग्रेन्युअल्स। कणिकाणु या ग्रेन्युअल्स को भी टाइप डिवाइड किया गया, कितने टाइप में डिवाइड किया गया, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, इओसिनोफिल्स। कितने पार्ट में डिवाइड किया, 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। उसी प्रकार ग्रेन्युअल को कितने टाइप में डिवाइड किया गया, 2 टाइप में डिवाइड किया गया है, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, मोनोसाइट और क्या है, लिम्फोसाइट। उसके बाद हम बात करते हैं, किसकी बात करेंगे भाई, लिम्फोसाइट्स को वापस 3 टाइप में डिवाइड किया गया है, बी और टी लिम्फोसाइट। कौन कौन से, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट और प्राकृतिक मारक कोशिका या नेचुरल किलर सेल। क्या नाम बताया है, नेचुरल किलर सेल लिम्फोसाइट का 3rd प्रकार है। उसी प्रकार अपन बात करते हैं मोनोसाइट्स होते हैं वो आगे चलकर क्या होते हैं, महाभक्षक कोशिकाओं में मैक्रोफेज में डिवाइड हो जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं, जो क्या करते हैं, किसको मारने का काम करते हैं, बैक्टीरिया, वायरस और फंगस वगैरह को मारने का काम करते हैं। इसमें 3 जो मेन जो सेल्स होती है, जैसे न्यूट्रोफिल हुई, मोनोसाइट्स में मैक्रोफेज हुई और लास्ट वाली है नेचुरल किलर सेल हुई। ये 3 ही क्या करते हैं, किसी भी बैक्टीरिया, वायरस, फंगस वगैरह जो बॉडी को हार्मफुल करते हैं उनको मारने का काम करते हैं। अब लास्ट में बात करते हैं अपन किसकी, किसकी बात कर रहे हैं लास्ट में, डिम्बाणु या प्लेटेल्स की। ये भी आकृति में मैक्सिमम बड़ी ही होती है, अमीबा के आकार की, अमोइबा शेप की होती है। और अमोइबा क्या चीज है, ये सिंगल सेल एनिमल्स होते हैं जो मैक्सिमम फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं और आपको दिखाई नहीं देते हैं, माइक्रोस्कोप में दिखाया जाता है। उनके स्ट्रक्चर का ये होता है सब चीजें। कार्य क्या है, कार्य तो क्या होगा, रक्त का थक्का जमाना। क्या जमाना, रक्त का थक्का जमाना। रक्त का थक्का कैसे, उनको लग जाती है, चोट लग जाती है या इंजरीज हो जाती है, उस टाइम हमारा ब्लड क्या होता है, कंटिन्यू फ्लो होता रहता है, उसी को क्या कर देता है, वो रोकने का काम करता है। इसकी लाइफ टाइम 10 डेज होती है। ये सब आपको जानता, ब्लड और ब्लड के बारे में क्या क्या इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने आपको दे दी है। अब ब्लड सर्कुलेशन की बात करेंगे, ब्लड सर्कुलेशन या ब्लड की बात करेंगे, हार्ट की बात करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। उससे पहले भाई ब्लड का जो मैं बता रहा हूँ, ब्लड कितने टाइप्स के होते हैं, ब्लड ग्रुप कितने टाइप्स के होते हैं, किस आधार पे होते हैं, इसके बाद उसकी बात की जाएगी, तो उसके बाद इसके हार्ट की और ब्लड सर्कुलेशन की बात करेगी।
अब बात करते हैं ब्लड के फंक्शन, ब्लड के कार्य। अब ब्लड क्या काम करता है? ब्लड पहली चीज तो यही है, गैसों का विनिमय करता है, गैसों को एक्सचेंज करता है, खाद्य पदार्थों का परिवहन और खाद्य पदार्थों का भी परिवहन करता है, बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखता है, और ब्लड का जो पीएच होता है वो 7.4 होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ब्लड का पीएच कितना होता है? तो 7.4 मतलब शारीरिक बेसिक फॉर्म में होता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी ब्लड के बारे में। अब आप बात करते हैं अपन टाइप्स ऑफ ब्लड, रक्त के प्रकार के बारे में बात करते हैं। किस आधार पर बात करेंगे, किस बेस पे बात करेंगे? प्रतिदिन की उपस्थिति के आधार पर, इसके एंटीजन की उपस्थिति के आधार पर, एंटीजन की प्रेजेंट की बेस के फॉर्म में हम बात करेंगे। आप इस पर आरबीसी पर, इस पर आरबीसी पर, अगर मान लीजिए आरबीसी पर एंटीजन ए है तो ब्लड ग्रुप क्या होगा? ए होगा। एंटीजन बी है तो ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। एंटीजन क्या होगा? ए बी होगा, तो ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा? ए बी हो जाएगा। अरे एंटीजन एब्सेंट होगा, एंटीजन क्या होगा? एब्सेंट होगा, अनुपस्थित होगा, तो ब्लड ग्रुप क्या होगा? ओ होगा। इस आधार पर बताओ ब्लड ग्रुप कितने टाइप्स के हुए हैं? ए बी, ए बी, ओ, कितने टाइप के हुए? 4 टाइप के ब्लड ग्रुप हुआ क्यों हुए? अब एक और एंटीजन है आरएच, रिसर्च एंटीजन बोला जाता है आरएच। ये मकाका रिसर्च बंदर में इसकी उपस्थिति की खोज की गई थी, पहली बार रिसर्च इस पे किया गया था, बंदर में किया गया था मकाका रिसर्च पे। उस आधार पर अगर देखा जाए अब जिस ब्लड ग्रुप की आरबीसी में आरएच फैक्टर होता है, आरएच फैक्टर क्या होता है? उपस्थित होता है तो आरएच पॉजिटिव ब्लड होता है। मैंने इसको प्लस बना दिया है, पॉजिटिव धनात्मक, और जिसमें अनुपस्थित होता है नेगेटिव आरएच फैक्टर वाला ब्लड होता है। क्या होता है? आरएच फैक्टर नेगेटिव वाला ब्लड होता है। मैक्सिमम जो ब्लड होता है वो कितने परसेंट होता है? 80% जो लोग होते हैं आरएच पॉजिटिव वाले ब्लड ग्रुप के होते हैं।